केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आपको पता है, बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर के हम लगातार इसी कोशिश में हैं कि आप तक सारी खबरों को पहुंचा सकें। इसीलिए आज हमारी जो टीम थी वो ग्राम पंचायत राज तीनटंगा करारी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 पहुंची थी, जहां के मुखिया पद के प्रत्याशी पंकज पासवान जी से हमारे सहयोगियों की बातचीत हुई, हमारी टीम की बातचीत हुई। क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए देखते हैं। टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम अपने चुनावी यात्रा पे है। कई जगह चुनाव हम लोग कवरेज किए हैं और कई चरणों का मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने अपने वहां पे गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है, और जहां जहां मतदान होना बाकी है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए। इसी तरह में मेरी मुलाकात भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड के तीनटंगा करारी पंचायत में पंकज पासवान जी से हुई, जिनका चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है। इन्हीं से जानते हैं कि ये इनका उद्देश्य क्या है, क्या सपना लेके आए हैं अपने पंचायत के विकास के बारे में, और क्या क्या सपना देखते हैं ये पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए। पंकज जी, आपका स्वागत है हमारे केलांचल टाइम्स चैनल में। सबसे पहले ग्राम पंचायत तीनटंगा करारी को जनता को सबको नमस्कार। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला मेरा मुद्दा जो है चुनाव में, सबसे पहला मुद्दा है गरीबों को शिक्षित करना, और जल और नल, बिजली, वृद्धा पेंशन, पुल पुलिया, सारा समस्या को दूर करना। ये उद्देश्य लेके आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव काफी कठिन चुनाव है, इसीलिए आप आए हुए हैं गरीबों का मसीहा बनने के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए। जी सर। अब हम बात करते हैं, आपके पंचायत में वार्ड कितने हैं और समस्या क्या क्या है? मेरे ग्राम पंचायत तीनटंगा करारी में 14 वार्ड हैं। जी, जो कि मैं 14 वार्ड से हूँ। समस्या क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या है नल और जल का जी, पुल का जी, बिजली का जी, पानी का जी, और कितनों आदमी के मुँह से सुन रहे हैं वृद्धा पेंशन, और बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा। चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं जी सर। अगर पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? उनके लिए जितना भी होगा मैं करूंगा काम, जैसे कि मनरेगा का काम हुआ जी, और वृद्धा पेंशन का काम हुआ, पुल पुलिया का काम हुआ जी, पोखर तला का काम हुआ, कुआं का काम हुआ जी, जो होगा सारा काम करूंगा मैं। ये तो आपने एक लाइन में इसका आंसर दे दिया, जो होगा सारा काम करेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे, यहाँ पे बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्कूल है? यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है बालिकाओं के, तो यहाँ की बालिकाएं पढ़ने के लिए काफी दूर जाती हैं। हाँ, यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर। तो ये अगर पंचायत लेवल पे आ जाए तो कैसा रहेगा, और इस व्यवस्था को आप? बहुत बढ़िया रहेगा इस व्यवस्था। मेरा उद्देश्य भी है, एक पहले मैं गया था 2 नंबर वार्ड में, हमसे जनता पूछ रहा था कि हम लोग विद्यार्थी हैं सर, जो कि मेरे वार्ड में एक ग्राउंड होना चाहिए, जो कि ग्राउंड का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, दौड़ने धूपने के लिए बहुत हम लोग व्याकुल रहते हैं, सड़क पे दौड़ने से पैर में दर्द उठता है, इसलिए हम लोग को यहाँ ग्राउंड चाहिए जी। सबसे पहला उद्देश्य मेरा है पूरे पंचायत में कम से कम एक ठो ग्राउंड होना चाहिए, खेल कूद का ग्राउंड, और जो कि वहाँ से मेरे गांव का जो भी नौजवान है, बच्चा है, कम से कम दौड़ धूप के गरीब का बच्चा भी नौकरी ले सके जी। ये आप बहुत अच्छी सोच लेके आए, क्योंकि आप एक युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए सोचा आपने, बालिकाओं के लिए भी सोचा कि यहाँ पे एक स्कूल का व्यवस्था होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि कुछ वृद्ध जनों से हमारी बात हो रही थी आपके पंचायत में, कि उनका उम्र 60 वर्ष तो हो गया है लेकिन उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ सर, मैं भी गया था गांव घूमने के लिए, वहाँ जो है बहुत सारा ऐसा आदमी है जिसका कि अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुटा है जी। जो कि मुझे प्रचार के समय मिला, उसके बाद 2 महीना पहले अगर हमसे ये बात होती तो मैं कोशिश करता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का जी। और बहुत ऐसा नौजवान भी है, उसका भी वोटर कार्ड में नाम नहीं है, और जो मेरे भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं उन्होंने भी ये काम नहीं करवा के रखा है।
तो इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो ये काम होगा। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है 14 नंबर इस वार्ड में स्कूल बनवाना, और मैं अपने जमीन पे भी बनवा सकता हूँ स्कूल, जो कि मेरा बच्चा बुतरू यहाँ से जो पढ़ लिख के कुछ नाम रोशन करे। बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी पहल है। अब हम बात करते हैं पंकज जी, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र। जी सर, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग को यहाँ से बिंटोली पड़ता है कम से कम 1 किलोमीटर। जी, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, और यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ने के लिए नहीं जाता है वहाँ पे। उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे उपचार करवाने के लिए यहाँ के लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। हाँ, उपचार करने के लिए यहाँ से सैदपुर जाना पड़ता है, हम लोग को 3 किलोमीटर पड़ता है। और मेरा सोच भी है कि छोटा मोटा यहाँ पे कोई हॉस्पिटल हो जाए तो और बढ़िया वाली बात होगी। अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं एक समस्या, आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है और विकट समस्या है, वो समस्या है जल निकासी की। यहाँ पे जल निकासी की समस्या से लोग त्राहिमाम है। सबसे बढ़िया काम आप बताएं सर, और सबसे पहला उद्देश्य रहेगा जब मैं मुखिया बन जाऊंगा, ग्राम पंचायत तिनटंगा करारी का काम एक भी काम नहीं हुआ है नाले का, जो कि हम लोग का वर्षा अगर पड़ता है गांव में तो सारा पानी घर में घुस जाता है। तो जहां जहां पानी घर में जा रहा है पूरा तिनटंगा पंचायत में, वही गली वाला काम करेंगे, उसके बाद जो है नाला का काम करेंगे। नाला का भी काम करेंगे। हाँ, मतलब जल निकासी से यहाँ के लोगों को निजात मिलेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं किसान भाई के लिए क्या काम है। किसान भाई के लिए सबसे पहले तो उनके खाद बीज का व्यवस्था जो कि कम मूल्य पे उपलब्ध हो। जी, कोशिश करूंगा कि यही हो। जी, किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये किसान बेल्ट है, किसान ही देश चलाते हैं। हाँ सर, किसान अगर नहीं रहेंगे अपने धरती पे तो लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे, त्राहिमाम हो जाएंगे अन्न के लिए। तो अन्न के लिए किसान भाई के लिए भी आपने अच्छा सोचा, क्योंकि आप एक युवा प्रत्याशी हैं, मुखिया बनने जा रहे हैं। अब हम लास्ट सवाल आपसे, एक और सवाल है मेरा, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ग्राम पंचायत तिनटंगा करारी के जनता से अपील करता हूं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। जी, यही सोच लेके आप आए हैं इस मैदान में, चुनावी मैदान में। हाँ सर, अगर जनता आपको अपना मुखिया बनाती है तो आप उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। खरे उतरेंगे, खरे उतरेंगे। फिलहाल बने रहें कलालचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।